यस हेलो वेलकम वेलकम टू टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका योर एजुकेटर और आज हमारे साथ है स्वाति जी। स्वाति जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है क्योंकि अधिकतर फीमेल्स के पास एक चैलेंज होता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेबी होती है, इनके आप देख भी सकते हो, और ये सब जो चैलेंजेस है, इन सब चैलेंजेस के बावजूद एजुकेशन में एक 5 years का गैप, बीएड इन्होंने किया था 2019 में और उसके 5 years के बाद इन्होंने फिर से एक बार नई एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू किया और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एग्जाम जो है ये क्वालिफाई कर लिया सीटेट का। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर डेटास के बारे में तो टोटल जो हमारे लास्ट सीटेट का एग्जाम हुआ था वहां पर लगभग 14,07,332 बच्चों ने एग्जाम दिया था जिसमें की 2,39,000 बच्चों ने ही पास किया। तो आप समझ सकते हैं कि 2,39,000 बच्चे ही सिर्फ 14 लाख में पास कर पाए और सिर्फ अगर मैं बात करूंगी सिर्फ किस तरीके से 2 month के स्ट्रैटेजी को करकर एग्जाम दिया। तो आइएगा हम इनसे बात करते हैं, इनके स्ट्रैटेजी को जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतने कम टाइम में किस तरह से प्लान करके पढ़ाई की कि इनको सक्सेस मिला। चलिएगा स्वाति जी, ओवर टू यू। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। हाँ, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज तो था कि इतने टाइम के बाद एक पूरे तरीके से मैंने सोच लिया था कि अब मुझे और दोबारा से तो नहीं पढ़ना है, बस पढ़ाना है, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ कि नहीं, फिर लगा कि नहीं अब पढ़ना पड़ेगा कि अगर खुद आगे कुछ आगे बढ़ना है तो फिर बस मैंने वही यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे टेक्स्ट बुक ही बेटर लगा कि ये सीटेट के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, मुझे एजुकेशन या फिर कोई भी मटेरियल सब्जेक्ट मटेरियल्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म लगा, चाहे वो पीडीएफ के या टेलीग्राम के थ्रू भी मैंने इसे जो भी नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मैंने लिया था टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही, और बस एक वही स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी कि मुझे कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर आपका एक फोकस और कंटिन्यूटी कि आपको वो ये नहीं कि आज पढ़ा और कल नहीं पढ़ा, आज 2 घंटा पढ़ा कल 6 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं, रोज आपको पढ़ना और कंटिन्यू, आपको 3 घंटा टाइम मिल रहा है आपको 3 घंटा पढ़ना है, और बस वही है कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपना सारा रिवाइज करते रहना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और फिर उसको फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मतलब आप 5 साल के बाद आपने पढ़ना शुरू किया तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में कैसे चीजों को अरेंज किया, कैसे सिस्टमाइज किया सब जी? तो वही सबसे पहले तो मैंने कहा मैंने यूट्यूब में ही, मैंने कोई ऐसा कोर्स वैसा परचेस नहीं करा था, मैंने जो भी टेक्स्ट बुक का फ्री यूट्यूब मटेरियल्स था उसी से मैंने करा था, और एनसीईआरटी ऑब्वियसली सीटेट के लिए बेस्ट है एनसीईआरटी, और टेक्स्ट बुक बिल्कुल प्योरली उसी पे, मतलब क्या मैं बोलूँ, उसी पे पूरी तरह से उनका कोर्स पूरा डिपेंड रहता है कि एनसीईआरटी को ही वो लोग भी फॉलो करके सीटेट की पढ़ाई को पूरी तरीके से कि आपका कुछ भी छूटे ना, और उसी लिए मैंने सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स खरीदे, उसके बाद फिर टेक्स्टबुक के कवर की आपने एनसीईआरटी जी, मैं 6th class से 8th class तक की एसएसटी के बुक को पूरी तरीके से मैंने हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को मैंने कंप्लीट करा था, उसके लिए मैंने ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक का ही मैंने नोट्स और वीडियोस जो भी था उनके पहले के अभी के लाइव वीडियोस वगैरह जो भी था मैंने यूट्यूब पे ही मैंने वो देखा था। मैं एक को बता दूं जो हमारे व्यूवर्स है कि स्वाति जी ने 112 मार्क्स स्कोर किया जो अपने आप में बहुत ही मतलब हाई स्कोर है, 112 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया और वो भी क्या कहते हैं जस्ट फ्री क्लासेस से, कोई पेड कोर्स ले लिया था, शायद पेड कोर्स लेते तो और अच्छा मार्क्स मिला, बिल्कुल, तो फ्री क्लासेस से डेडिकेशन के साथ। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि घर पे इतने सारे चैलेंजेस है ना, अभी आप अभी भी देख पा रहे हैं कि मेरा जो बेटा है वो अभी भी सोया था, बट उठ गया, कुछ कर नहीं सकते, इसको आपको अपने पास रखना है, ऐसे ही मैंने पढ़ा, यूट्यूब भी देखती थी, इसको लेकर ही देखती थी, ऐसा नहीं कि ये रो रहा है और छोड़ दिया और देख रहा है, नहीं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता था, बट वही है कि जब आप सोच लो कि आपको करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको करना ही है वो, तो बस वही है कि कंटिन्यूटी और जो भी आपका है वो आपको कंटिन्यू पढ़ना है बस, और क्या, मतलब आपने दिमाग में सेट कर लिया था कि आपको सेकंड लेना ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा एक ही था, रोज अपने आप को बोलना है मिरर में देख के कि आपको आज क्लियर, आपको
जो नेक्स्ट सीटेट है वो क्लियर आपको करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे आप यूट्यूब से टेस्ट बुक के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही थी, तो आप एक सर को ही फॉलो करें, ये नहीं कि आज इससे पढ़ लिए कल उनसे पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक ही चीज को आप एक ही सर को, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, आपको जिस भी सर की, ऐसा नहीं कि टीचर्स बुरे होते हैं या कोई अच्छा कम पढ़ाता ज्यादा नहीं, आपको किसकी बात समझ में आ रही है आप उनको फॉलो करें और उनकी बात को अच्छे से, उनका उनके दिए हुए क्वेश्चन, होमवर्क, खुद को होमवर्क दें कि आपको 3 डेज में ये पोर्शन कंप्लीट करना है, मतलब करना है, आप चाहे उसके लिए आप रात में जगे चाहे दिन में जगे। एसएसटी के लिए आपने किसको फॉलो किया? जी मैं अनुपम सर को, जो टेस्ट बुक में ही एक पढ़ाते हैं, सीटेट के लिए बहुत फेमस भी हैं, और मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया कम्प्लीटली, उनके मैराथॉन्स को देखा, उनके प्रीवियस मैराथॉन्स को देखा, उनके एनसीईआरटी सीरीज को देखा, पहले वो देखा, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स भी बनाए। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाना भी जरूरी है, तो बस उन्हीं को मैंने एसएसटी के लिए, एसएसटी भाई अनुपम सर करके टेस्ट बुक के हैं, उन्हीं से मैंने पढ़ा। एक चीज और, जैसे कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एसएसटी का तो आपने अनुपम सर को फॉलो किया और एनसीईआरटी 6 to 8 को कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है और उसको कैसे कवर किया आपने? बाकी सब्जेक्ट जैसे पेडागॉजी वगैरह है, वो भी मैंने टेक्स्ट बुक के ही सर को ही, मैंने उनको ही देखा था उनके। और पहली बात है कि बीएड में अगर आप पढ़े हैं अच्छे से, तो फिर आपको पेडागॉजी, चाइल्ड, बच्चे, वो सब आप डेली लाइफ से रिलेट करके ही वो लोग पूछते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपको थोड़ा समझ के, अपने समझ से भी आप उसको पढ़ेंगे। इवन एसएसटी या अनुपम सर जो है, वो अनुपम सर ने पेडागॉजी को भी अच्छे से कराया था, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो आपका चाइल्ड पेडागॉजी हो, कुछ भी हो, दोनों सब्जेक्ट को मैंने उनसे पढ़ा था। और हिंदी वगैरह, हिंदी और इंग्लिश का था, उसमें भी आपका पेडागॉजी ही मेनली रहता है, तो वो भी मैंने टेस्ट बुक के माध्यम से ही नोट्स पहले प्रिपेयर करा। और हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सेम है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप ऑब्वियसली आप उनको पहले आप पढ़ लो, ताकि आपका दोनों चीज कवर हो जाए, और दोनों को साथ साथ लेके चलने से दोनों आसानी से कवर हो जाते हैं, और अच्छा खासा मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में और एनसीईआरटी से कवर होके आप कर पाते हैं, तो वो आसान रहता है आपके लिए, जिसमें ऑब्वियसली टेस्ट बुक ने बहुत हेल्प करा था, उसका पीडीएफ वगैरह आप देख सकते हैं। पेपर आपने सॉल्व किया था? जी मैंने मॉक टेस्ट, जी जी क्या सॉरी, प्रीवियस ईयर किया था क्या सीटेट का? जी बिल्कुल किया था मैंने, पीडीएफ से मॉक टेस्ट वगैरह ना, जी प्रीवियस ईयर पेपर, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखा था सारा ही, लास्ट 2-3 इयर्स का जो भी हुआ था, तो फिर वही मैंने देखा, उसको सॉल्व किया, तो क्वेश्चन पैटर्न आपको एक समझ में आ जाता है कि किस तरह से वो लोग पूछते हैं। फिर बाकी है मॉक टेस्ट वगैरह आप दीजिए, चाहे आप फ्री में लीजिए, चाहे आप टेस्ट बुक से कोर्स बहुत मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाता है, वो आप परचेज कर सकते हैं, तो वही है आप, आपको करना होगा लास्ट, पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए कि आपको लगे कि आप कर पा रहे हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। थ्योरी वाला पार्ट पहले कवर कर ले। जी बिल्कुल, थ्योरी वाला पार्ट, लर्निंग, नोट्स वगैरह, ये सब पहले आपको इतना डिसाइड कर लेना कि आपको एटलीस्ट 40 days 50 days में आपको इतना कर लेना है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप कुछ दे पाए, नहीं कि पहले ही मॉक टेस्ट दे दिया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप देख रहे आंसर और दे रहे, तो उसको कोई फायदा नहीं है। Exactly. पहले आप पढ़िए, देखिए, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दीजिए, तो वो हेल्पफुल रहता है। ओके गॉट द पॉइंट। अब मुझे ये बताइए, एक चीज और बताइए कि 14 लाख बच्चे में 39,000 जो है, 2,39,000 बच्चों ने सिर्फ पास फेल हो गए या पास, तो रीजन क्या रहा उसके पीछे, कहाँ पर कमी रही थी? रीजन मुझे बस यही लगता है कि जैसे सीटेट को ना सब बहुत लाइट लेते हैं कि नहीं ये तो हो जाएगा, एनसीईआरटी है, हो जाएगा, 6 ही क्लास है, नहीं ऐसा नहीं है, वो है तो अगर सेंट्रल का है, क्वालिफाइंग पेपर है कि इसके बाद ही आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं, इट मीन्स कि उनका भी कुछ एक स्टैंडर्ड है, तो उसको आपको सीरियसली लेना ही होगा। आप 2 मंथ्स ही पढ़िए, आपको नहीं बोल रही कि पूरा उसको साल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैंने जस्ट 2 मंथ्स ही मैंने, लेकिन रेगुलर
वो आपको पढ़ना ही है, पढ़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो वही एकमात्र रीजन है ऐसे, बाकी और कुछ नहीं है। और ना बहुत ज्यादा तो आसान होता है कि आप आराम से बिना पढ़े भी कर ले, ऐसा नहीं है। आप पढ़ते थे, टाइम टेबल क्या था, थोड़ा बता सकते हैं? टाइम टेबल मैंने बस फॉलो वही किया था कि क्योंकि जैसा मैं एक बच्चे की मम्मा मदर हूँ तो मुझे उसको भी देखना, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल इस तरह नहीं बना सकते कि आपको 9 to 10 पढ़ना ही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको उस समय आप क्या करेंगे। तो आपको ये रखना चाहिए टाइम टेबल में कि आपको एक दिन में 3 आवर्स या 4 आवर्स, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिल रहा है एक दिन में अपने लिए, वो टाइम आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। नो फोन, सबसे पहले तो फोन को, मतलब नो फोन इन द सेंस कि और कोई चीज नहीं, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक का वीडियो देखिए, या कोई भी आप फोन से एनसीईआरटी बुक पढ़िए, या कुछ भी आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, इज बेटर एनसीईआरटी का, तो वो आपको टाइम टेबल में वही हेल्पफुल करेगा कि आपको 3 आवर्स पढ़ना है तो 3 आवर्स आपको पढ़ना ही है, वो आप रात में पढ़िए दिन में पढ़िए वो आपके टाइम के ऊपर है। तो वही मेरा एक स्ट्रैटेजी था कि 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स में एवरी डे मुझे पढ़ना है, जिसमें 1 आवर्स रिवीजन मस्ट है कि आप जो पहले पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करना है, यानी कि आप लास्ट तक छोड़ दिए और फिर वो एक साथ कुछ भी नहीं होता है। और लास्ट में कुछ नहीं, लास्ट का जब आपका 15 डेज बचता है तब आपको कुछ नया तो पढ़ना ही नहीं है, बस आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वही आपको करना है। वही मेरा स्ट्रैटेजी था एकमात्र, और एक्स्ट्रा तो कुछ भी मैंने नहीं किया। काफी अच्छा आपने स्ट्रेटजी बनाई कि पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है और बस, आवर्स निकालना हाँ वो दिन भर में बस जब भी निकल जाए, आजकल कभी भी निकल जाए, उसी में खाना भी क्योंकि बनाना है, उसी में बच्चे को भी देखना है, बिल्कुल उसी में सब कुछ सब कुछ, क्योंकि क्योंकि घर पे है बच्चे हैं तो ऑब्वियसली ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमको इतना टाइम है तो इतना टाइम 9 to 10 हमको पढ़ना है, पढ़ लेंगे, तो वैसा नहीं हो पाता है। वो आपको ये रहेगा कि आप, हाँ चलो आप लास्ट दिन भर में आपको 4 घंटा निकालना है, अब आप उसके सोने के बाद निकालिए, अगर कोई बाहर काम कर रहे हैं तो आप चलिए भी, जब आपको टाइम मिले तो आपको वो टाइम आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। ये मुझे ये बताइए कि ऐसा कभी आपको लगा कि 2 महीने बहुत कम है, नहीं हो पाएगा मेरे से, कभी ये फीलिंग? हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल लगा शुरू में, जब मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी, मुझे लगा कि जब मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एकदम पढ़ने में ऐसा नहीं थी कि फर्स्ट होती थी स्कूल में, नहीं, एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा थी, बट ऐसा भी नहीं था कि एकदम फर्स्ट होती थी, टॉप करती थी, बहुत फेमस थी, नहीं, नॉर्मल थी, नॉर्मल स्टूडेंट थी। और वैसे ऑब्वियसली अभी जाके ऐसा भी नहीं होगा कि 5 ईयर्स के बाद आप बहुत तेज हो जाएंगे, बस हाँ बस दिमाग में यही रखना है कि आपको निकालना है तो निकालना है, और उसको तो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो आपको, आपके ऊपर है वो चीज, वो आपसे कोई नहीं रोक अगला सकता। टारगेट क्या है आपका अभी? जी मैं अगला टारगेट देखती हूँ, अभी तो नेक्स्ट ईयर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स वगैरह निकल रहे हैं अभी तो काफी सारा, बिहार वाला, राजस्थान वाला, तो वही सब के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अब जिसमें हो जाए बाय गॉड ग्रेस और होप फॉर बेस्ट। तो हम लोग मतलब कंक्लूजन बोल सकते हैं कि 4 घंटे पढ़ने हैं, उसमें 1 घंटा रिवीजन करना है, एनसीईआरटी बिल्कुल का बुक बिल्कुल होना चाहिए और पूरी टेक्स्ट बुक का तरह, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इतना टेक्स्ट इतना। बुक बहुत हेल्पफुल किया। जी, चलिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को जो अभी दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उनके पास अराउंड 45 डेज या 40 डेज है, तो वो कैसे 45 डेज बिल्कुल में करेंगे? 45 डेज है, तो मतलब मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 डेज है, क्योंकि लास्ट का 10 to 15 डेज मैंने पहले भी बोला कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो क्या, रिवाइज भी, मतलब रिवाइज इन द सेंस हल्का फुल्का, बट जो आप अभी 30 डेज में पूरे अच्छे से एकदम भूल जाइए कि आपको कुछ और है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, अपना नोट्स बनाइए, अपना अच्छे से उसको रिवाइज करिए अभी 30 डेज, उसके बाद केवल मॉक टेस्ट और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट कि आपको इतना जल्दी करना, ये भी नहीं कि क्वेश्चन देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं, सोचते जा रहे, नहीं, मतलब फटाफट लास्ट करना से है। 10 दिन ओनली एमसीक्यू एंड मॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, केवल टेस्ट बुक से अच्छा खासा मॉक टेस्ट आपको इजिली में अवेलेबल हो जाता है, मॉक टेस्ट वगैरह आप उसको परचेज कीजिए, या आपको फ्री में मिलता है, फ्री में भी कराते हैं, लाइव में मैराथन देखिए, वही ये लास्ट का 10 to 15 डेज का स्ट्रैटेजी सिर्फ उतना ही रखना चाहिए कि जो आप पढ़ चुके हैं आपको उसी को अच्छे से कंप्लीट करना, रिवाइज करना, कि उसको आप नहीं भूलें, कि नया के चक्कर में वो भी भूल गए, नहीं, तो वही एकमात्र स्ट्रैटेजी है, थैंक यू ऑल द थैंक यू बेस्ट सर। सबको। हाँ
मुझे लगता है काफी सारे जो फीमेल्स एस्पिरेंट्स है स्पेशली हमारे जिनके पास एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि फैमिली भी है, घर भी है, बच्चे भी है, फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करके भी 2 महीने में रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप चाहो तो, है ना, अगर आप चाह लो। बस चाहना, बिल्कुल चाहना तो आपको ही है कि आपको करना है, मतलब करना है, सेकेंड चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है, आपको करना ही है, आपको ये सबसे पहले दिमाग में चाहिए। इसके लिए आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, दिमाग में बस ये एकदम बैठा लो कि आपको करना है और उसके बाद ही शुरू करो, तभी हो पाएगा। और एक ही एक चीज मैं लास्ट में फिर यही बोलूंगी कि आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, चाहे आप टेक्स्ट बुक में भी किसी एक टीचर को फॉलो करो, आप एक ही टीचर को फॉलो करो, ये नहीं कि आप दो जगह से देख रहे हैं, नहीं, एक जगह से देखो, उनकी बातों को समझो, सर्च करो कि आपको किस टीचर की बात समझ में आ रही है बेटा, तो वही है मेन, वही। आपने अपना टाइम दिया और आपका टाइम बहुत प्रीशियस है ना, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और कम टाइम एग्जाम क्वालिफाई किया, और आगे फिर से हम लोग मिलते रहेंगे और होप सो कि आपका जो अपकमिंग टारगेट है वो बहुत, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।